एंटर करते ही देखिए कैसा है फोर्ट का नजारा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं महेश, इंडियन एवरीवेयर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। फिलहाल हम लोग हूँ बीकानेर में और आज हम लोग सुबह सुबह जाएंगे करनी माता का दर्शन करने के लिए। तो बस भी रेडी है, हम लोग भी रेडी हैं, तो चलिए पहले माता का दर्शन करके आते हैं। हर सुबह हम लोग यात्रा भजन कीर्तन से ही शुरू होता है। फाइनली हम लोग करनी देवी मंदिर में आ गए हैं। ये मंदिर चूहों के लिए बहुत फेमस है। आप बहुत सारा ब्लॉग्स, वीडियोस, पिक्चर्स देखे होंगे चूहों के साथ। ये वही मंदिर है। फिलहाल हम लोग आ गए हैं मंदिर के सामने। जैसे मैंने बताया आपको, ये मंदिर चूहों के लिए बहुत फेमस है। तो इस साइड देखेंगे बहुत सारा प्रसाद का दुकान है, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, अपने जूते चप्पल आप यहाँ खोल सकते हैं। ये है एंट्रेंस और ये है मंदिर का सामने का व्यू। काफी सुंदर मंदिर है। नॉर्मली बहुत भीड़ होता है, लेकिन आज हम लोग बहुत सुबह सुबह आ जाने की वजह से भीड़ कम दिख रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ चूहा नहीं कहते हैं, इनको कहते हैं काबो। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, चलिए अंदर चलते हैं। इस जगह में देखिए बहुत सारे खाने रखे हुए हैं लोगों के लिए। मंदिर के अंदर आप मोबाइल और कैमरा यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइल यूज़ करेंगे तो 30 रुपये, मेरे जैसे कैमरा यूज़ करेंगे तो 70 रुपये का टिकट आपको लेना पड़ेगा। आ रहे हैं चाचा जी। आज हम लोग बहुत लकी थे ना कि माता जी का दर्शन बहुत आराम और जल्दी से हो गया। बहुत जल्दी हो गया और माता जी का दर्शन करके बहुत। हाँ, ये बात बहुत अच्छा बात है, बहुत सुकून का जगह है। तो आपको जब भी बीकानेर आ रहा है, बीकानेर से जस्ट 30 किलोमीटर दूरी पर है, तो माता जी का दर्शन जरूर करके जाए। मंदिर परिसर में कहा जाता है कि किसी ने जो सादा चूहा देखा या सॉरी सादा कावा जिसने देखा, वो बहुत लकी इनाफ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने सब ब्लैक देखा,
वाइट देखने का मौका नहीं मिला या हम लोग ढूंढ नहीं पाए, ऐसा कह सकते हैं। बहुत सारी दुकानें आपको दिख जाएंगी इस जगह में, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, जूते चप्पल रख सकते हैं। साइड मंदिर है और जस्ट पीछे म्यूजियम है, तो आपका मंदिर में दर्शन हो जाए तो आप म्यूजियम में भी आ सकते हैं। मैं एंट्री फीस 5 रुपए है, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग रुक गए हैं एक रेस्टोरेंट में, जहां हम लोग सब लोग मिलकर नाश्ता कर रहे हैं। मंदिर में माता का दर्शन हो गया, अब हम लोग यहां से जाएंगे जूनागढ़ फोर्ट, जो कि बीकानेर में ही है। तो चलिए चलते हैं, हमारी बस पीछे रेडी है। आज दिन का दूसरा डेस्टिनेशन है जूनागढ़ फोर्ट, तो चलिए अंदर चला जाए। एंटर करते ही देखिए कैसा है फोर्ट का नजारा। ये है गेट पोले, अंदर घुसने का दूसरा दरवाजा। ये है फतेह पोले, घुसते ही तीसरा दरवाजा। रतन पोले, जिसके अंदर नहीं जाना है। उधर है सूरज पोले, जिसके अंदर हम लोग जाएंगे। सूरज पोले, अब इसके बाद हम लोग जाएंगे किले के अंदर। अंदर घुसते ही दो मंदिर आपको दिख जाएगी, दोनों द्वार के साइड में। ये देखिए रिसेप्शन, नेशनल टूरिज्म और इंटरनेशनल टूरिज्म का एंट्री अलग अलग है। अंदर आते ही दूसरे गेट से अंदर आएंगे तो किला का दृश्य कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जूनागढ़ फोर्ट के अंदर अंदर आते ही ये आपको दिखेगा। इलाके में पीछे देखिए जो खिड़कियां दिख रही हैं, रानियां बैठती थी, बीच में राजा रहते थे और तोप से होली के टाइम पे रंगों का बछार होता था उनके। जूना का मतलब होता है ओल्ड, इसलिए ये ओल्ड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फूल महल और ऊपर देखिए पेंटिंग बनी हुई है। ये बर्तने रखी हुई है किला के अंदर जिसमें खाना बनता था। ये है सिंबल्स, देखिए तरह तरह के सिंबल्स है। जब राजा जाते थे तो ये सिंबल सामने उनके चलते थे, अलग अलग सिंबल के अलग अलग रीजन से। इसके अंदर 56 केजी गोल्ड यूज हुए है ये महल बनाने के अंदर। बादल महल देखिए नाम है, जैसे ऊपर देखिए पेंटिंग में बादल का जैसा है। और यहाँ पर राजा महाराजा सिंगिंग प्रैक्टिस क्या करते थे, इसी हिसाब से देखिए वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ इस जगह। कल किला से देखिए गार्डन देख रहा है सुंदर सा आपको। इसको शिव गार्डन कहते हैं। गंज मंदिर में शिला है रानी का रूम का पलंग है, हाइट छोटा है और नीचे भी स्पेस कम है। स्पेस कम होने का नीचे कारण है कि कोई नीचे छूट ना सके। हाइट कम होने का कारण है कि तो पैर है तो कोई आए रात को भी तो उसका पैर आने में तो पलंग के साथ खड़े होता है। आम से अट्रैक्शन इस जगह पे। ये
ये है 56 केजी का आर्मर यूज के समय पहनते थे लोग इसे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था। आप म्यूजियम भी देख सकते हैं, म्यूजियम के टिकट 50 रुपए हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग म्यूजियम के अंदर नहीं जा रहे थे और फोर्ट के अंदर कैमरा भी अलाउड नहीं था। कैमरा ले जाने के लिए आपको 200 रुपए का टिकट एडिशनल लेना पड़ेगा। फिलहाल फोर्ट देखना तो हो गया। दोपहर के 3 बज गए हैं और हम लोग रुक गए हैं लंच के लिए। पीछे देखें सब हमारे लोग रुके हुए हैं, लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम यह है कि एक साथ 32 लोग जाते हैं कहीं पे तो खाना रेडी नहीं मिलता, हाफ एन आवर वेट करना पड़ता है। उसी बीच में हम लोग कुछ गेम वेम खेल लेते हैं और टाइम पास होता है। शाम के 7 बज गए हैं, हम लोग ने लंच करके चला था तकरीबन 3:30-4 बजे और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। बस हमारी पीछे खड़ी है और हम लोग इधर थोड़ा चाय पान पियेंगे और सालासर बालाजी का मंदिर जाएंगे। यहाँ से तकरीबन 1 घंटा और लगेगा। हम लोग फाइनली होटल में आ गए हैं। सालासर के बालाजी मंदिर में जाना था हमें, लेकिन उसकी टाइमिंग है 5:30 मॉर्निंग से 8:45 इवनिंग तक, तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। जाते जाते मंदिर बंद हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने प्लान ड्रॉप कर दिया। फिलहाल रूम पे हैं होटल में और कल जाएंगे हम। ये होटल का रूम तो सिंगल बेड दे दिया है, दो सोफा, दो सिंगल बेड, एक बाथरूम और एक बेल्कोनी है। लोग तो इस ब्लॉग को मैं यही खत्म करता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंटिल देन टेक केयर गाइस, सी यू सून।